आज हमने अपने घर में शिमला मिर्च का सलाद बनाया था, कीमे भरे हुए शिमला मिर्च जो बहुत पसंद किए गए। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों से अपनी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शिमला मिर्च के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होगी उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर कीमा लिया है। मेरे पास चिकन का कीमा था तो मैं चिकन कीमा डाली। अगर आपके पास गोट का हो या बड़े का गोश हो जो काओ वो डाल सकते, तो यहाँ पर मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। और प्याज जाएगा, एक अदर प्याज ली है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना लिया है, इसको बारीक सा पीस लिया है मैंने। मसालों में जो जाएगा वो है सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये है मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर जिसको हम कहते हैं, सूखा धनिया, ये मिर्च, लाल मिर्च बहुत तेज मिर्च है, और ये यहाँ पर नमक है। ये चीज़ें अभी मैं जो स्टफिंग होगी इसके अंदर शिमला मिर्च के अंदर वो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। बाद में जो इसके अंदर मसाला दूसरा डालेगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को मैंने यहाँ पर बहुत कम, तकरीबन एक चम्मच मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है मैंने, आप देख सकते हैं ज़्यादा तेल इसमें यूज़ नहीं होता। तो सबसे पहले हम प्याज शामिल कर दें इसके अंदर, मैं चूल्हा भर रही हूँ और प्याज को हम लोग गोल्डन कर देंगे अच्छी तरह से। चूल्हे को मैंने हाई फ्लेम पर रख दिया ताकि जल्दी से प्याज हमारे गोल्डन हो जाए। प्याज मेरी तक गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसमें जो था अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने बताया था वो मैंने थोड़ा ऐड कर लूँ। टमाटर प्यूरी है मैं आपको बताना भूल गई, ये थोड़ी यूज़ कर रही हूँ, ये रोस्टेड है, इसके अंदर रेड पेपर और गार्लिक का भी है शामिल है इसके अंदर, थोड़ा बहुत वो भी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, और इसका हल्का सा मैं सोते करूँगी। तो ये करके अभी इसके अंदर कीमा है, वो कीमा जो मैंने आपको बताया चिकन कीमा वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसमें चला गया। अभी मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा भूनूंगी मीडियम आंच पर, और ये सारे जो मसाले हैं जो मैंने आपको बताया था सब मसाले इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, ये सब चलेगी मसाले इसके अंदर। अभी इसको मैं तकरीबन 6-7 मिनट के तक इसको मैं पकाऊंगी, तब तक जब तक ये पक जाए, इसके बाद हम स्टेप करेंगे इसको, भरेंगे शिमला मिर्च को इसके अंदर। फिर शिमला मिर्च के बाद जो आखिरी जो होगा वो क्या करना है इसका स्टेप वो मैं आपको बताऊँ, जब तक ये कीमा थोड़ा भुन जाए इसके अंदर। थोड़ा मैं तकरीबन आधा गिलास पानी भी मिला दूँ ताकि इसके अंदर जो पक जाए कीमा इसके अंदर। मिलते हैं तकरीबन 7-8 मिनट के बाद। सबसे पहले मैंने इसकी जो बीज निकाल दिए मैंने अच्छी तरह धोकर, अब इसको मैं गर्म पानी में तकरीबन 5-6 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जो स्किन इसकी मोटी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने गर्म पानी रख दिया है मैंने, और अभी मैं इस गर्म पानी में इसको मैं डालूंगी ताकि थोड़ी सी इसकी स्किन सॉफ्ट हो जाए। शिमला मिर्च को मैंने पानी से निकाल दिया, आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है इसकी स्किन बहुत मोटी होती है, अगर हम इसको स्टीम पे पकाएं तो बहुत टाइम लगेगी, इसलिए मैंने पहले से इसको हल्का सा कर दिया था नरम सा ताकि मुझे जल्दी से मेरा बन जाए ना। और जैसे कीमा तैयार होता है मैं आपको भर के दिखाऊंगी, और उसका जो मसाला डलेगा जो थोड़ा मैं ग्रेवी से बनाऊंगी इसके लिए तो वो मैं आपको बताऊंगी ग्रेवी में क्या जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिमला मिर्च के लिए जो ग्रेवी बना रही हूँ मैं, उसके लिए मैं सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन एक चम्मच खाने का मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। अब मैं तकरीबन आधी चम्मच मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ, थोड़ा क्रंची सा फ्लेवर आए इससे। इसके बाद इसके अंदर मैं जो मसाला था अदरक लहसुन और हरी मिर्च का वो इसके अंदर डाल रही हूँ। और
और मैंने एक यहाँ पर चीज यूज की है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये है, और जो है ये मैं यूज कर रही हूँ तकरीबन आधा कप। एक भरा हुआ चम्मच में दही यूज कर रही हूँ, दही चला गया इसके अंदर। मसालों में एक चम्मच, क्योंकि हमने शिमला मिर्च के अंदर भी चम्मच डाला था, एक चम्मच इसके अंदर मैं तकरीबन एक चम्मच और डाल रही हूँ, तो कुल मिलाकर दो चम्मच होते हैं नमक के इसके अंदर। हल्का सा उसमें भूनूंगी ताकि सब मसाला इसके अंदर मिल जाए। एक चम्मच सूख लाल मिर्च डाल रही हूँ, बहुत तेज मिर्च है ये वाली, और एक चम्मच में सूखा धनिया इसके अंदर डाल रही हूँ, एक चम्मच इसमें चला गया, आधी चम्मच तकरीबन एक चम्मच में सफेद जीरा डाल रही हूँ, पिसा हुआ सफेद जीरा, और यहाँ पर मेरे पास आधी तकरीबन चम्मच में लौंग पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, मिला लेंगे, और एक चम्मच में अभी जो फाइनल में डाल रही हूँ वो है किन्नौर का पाउडर एक चम्मच में। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूंगी, एक चला गया मेरे पास, बस इसको हल्का सा मैं मीडियम आंच पर रख रही हूँ, इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी मसाले को। और मेरे पास थोड़ी ताज़ी प्याज थी, वो भी मैं इसके अंदर अभी डाल रही हूँ, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा, फ्रेश फ्रेश सा, ये इसमें डाल दिया मैंने, इसकी आंच को बिल्कुल मैंने हल्का कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं शिमला मिर्च इसके अंदर डालूंगी, जो कीमा मैंने बनाया था, जो रेडी किया था मैंने, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि इसका ज्यादा शोरबा नहीं रखा जाता, हल्का सा भुना हुआ रखा जाता है शोरबा इसका। अब यहाँ पे मैं शिमला मिर्च भर के इसमें जो मसाला हमने बनाया था इस तरह मैं रखती जा रही हूँ हल्की आंच पे, इसको मैं इसके अंदर मैंने डाल दी। अभी जो लास्ट है मैं इसके अंदर जो ड्राई पुदीना है, ड्राई मिंट्स, वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, और इसको हल्की आंच पे मैं रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, इसके लिए रेडी हो जाएगा, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। देख सकते हैं आप बिल्कुल किस तरह अच्छी तरह लग रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा कलर आया है ग्रीन और रेड का, और खाने में तो आप समझ सकते हैं बड़ा लाजवाब जायका होगा, मैंने थोड़ा चखा मसाला, बड़ा मज़े का मसाला बनाया इसका। आप इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे इससे पता चले कि आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं और आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। शिमला मिर्च बिल्कुल बन के रेडी हो गई है और बहुत मज़े की बनी है, आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप उन्होंने मेरी रेसिपी ट्राई की और आप लोग कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।